नमस्कार, पीके वी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको 10th क्लास का संस्कृत ट्यूशन भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें 13वें चैप्टर है विश्व शांति। विश्व शांति चैप्टर के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। विश्व में शांति कैसे आएगी, विश्व में अशांति का मुख्य कारण क्या है। आज हर जगह युद्ध ही युद्ध है, आंतरिक कलह बाह्य कलह सबकी जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रयोदश पाठ यानी 13वें पाठ विश्व शांति। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम् तत्व समाधानो उपायो च निरूपित है। कहता इस पाठ में संसार में वर्तमान अशांति वातावरण का चित्रण एवं उसके समाधान के उपाय को निरूपित किया गया है। इस संसार में वर्तमान में बहुत अशांति है और शांति कैसे आएगी इसके विषय में चर्चा किया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते। देश में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अशांति है। आंतरिक जैसे देश में पक्ष विपक्ष के नेता लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे पर लूट चोरी हत्या होता है, ये आंतरिक कलह हो गया। और बाह्य कलह जैसे पाकिस्तान से लड़ाई, कभी चीन से मुकाबला, ये बाह्य कलह में आ जाता है। ताम उपेक्ष्य न कश्चित स्वजीवनम नेतु समर्थ। कहता उसको उपेक्षा करके कोई अपना जीवन सुरक्षित नहीं समझता है, यानी हम इसको उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय। आज यह अशांति पूरी दुनिया के लिए दुख का विषय बन गया है, सार्वभौमिक यानी पूरी दुनिया के लिए है। सर्वे जना तया अशांत्या चिंतिता शांति। सभी लोग अशांति के कारण चिंता में है। संसार अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना के कारण लोग चिंते में हैं। इससे पहले विश्व अशांति लड़ाई झगड़े के कारण ही चिंते में थे। संसारे तत् निवारणाय प्रयासो क्रियन्ते। संसार में इसके निवारण के लिए प्रयास करनी चाहिए। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांतिर्वा दृश्यते। वर्तमान समय में संसार में प्रायः सभी देश उपद्रव अशांति देखे जाते हैं, यानी हर जगह अशांति ही अशांति है। क्वचित देव शांतम वातावरणम वर्तते। कुछ स्थानों पर ही शांत वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित्य कलयो वर्तते। तेन शत्रु राज्यानि मुद्मनानि कलहं वर्धयन्ति। कदा कुछ स्थानों पर देश की आंतरिक समस्या का आश्रय लेकर कलह है और शत्रु देश आनंदित है, झगड़ा बढ़ाते हैं। यानी शत्रु देश, यानी कहने का मतलब दो के बीच में झगड़ा होता है तो तीसरा मजा ही लेता है, ठीक उसी प्रकार शत्रु देश क्या कर रहा है, आनंदित हो रहा है, वह झगड़ा को बढ़ाने का काम कर रहा है। क्वचित अनेकोषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। कहीं कहीं अनेक राज्यों के बीच परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध का मतलब होता है ऐसा युद्ध जो परिवर्तन कर दे लेकिन खून का एक कतरा न बहे, उसको शीत युद्ध कहते हैं, यानी बोली की लड़ाई, बात बात की। वस्तुतः संसार अशांति सागर से कुल मध्य आशीनो दृश्यते। इस प्रकार वास्तव में संसार अशांति के सागर के मध्य में स्थित देखे जाते हैं। अशांति मानवता बिना सह कल्पते। अशांति से मानवता का विनाश होगा ऐसा कल्पना किया जाता है और होता भी है। अद्य विश्व बिंध्वस्व बिंध्वंस्व का अन्य अस्त्राणी बहु अन्य आविष्कृतानी सन्ति। आज विश्व विध्वंस करने वाली अनेकों अस्त्र शस्त्र निर्मित हो चुके हैं। तेरैव मानवता नाशस्य भयम्। उसे मानव सभ्यता का विनाश निश्चित है, मानव सभ्यता को भय है। अशांते कारणम तस्या निवारणोपायो च सावधानता चिंतनीयो। कथा शांति के कारण और उसका निवारण का उपाय सावधानी से चिंतन योग्य है। यानी अशांति का कारण क्या है और उसका निवारण हम किस प्रकार करेंगे, इसका चिंता करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए हम लोगों का।
कारणे ज्ञायते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीति। कारण को जानकर निवारण कीजिए, अशांति का कारण क्या है उसको दूर कीजिए, निवारण कीजिए और तब उपाय करिए, यही नीति की शिक्षा कहती है। बिना दुख के कारण को जाने ही उसमें अरंगा नहीं डालनी चाहिए, दुख के समुचित कारण को जानिए और उसका समुचित उत्तर दीजिए। वस्तुतः द्वेष सहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम्। वास्तव में देश द्वेष और असहिष्णुता असहिष्णुता अशांति के दुई कारण हैं। पूछेगा अशांति के दो कारण कौन कौन से हैं, तो एक में है द्वेष और दो में क्या है असहिष्णुता। इसको आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे। एको देशे अपरस्य उत्कर्ष दृष्ट्वा द्वेष्टिति तस्य देशस्य उत्कर्ण्यास्य निरंतरं प्रायते। कहता है एक देश उन्नति करता है तो दूसरे देश उसको नष्ट करने के लिए हर समय प्रयास करता है, और यह द्वेष से ही असहिष्णुता का जन्म होता है, और असहिष्णुता और द्वेष क्या करता है संसार को विनाश करने में लगा हुआ, यही अशांति का दो कारण है। द्वेष एव असहिष्णुताम जानयति, द्वेष से ही असहिष्णुता का जन्म होता है। इमौ दोषो परस्परम वैर उत्पादयत, यही दोनों मिलकर परस्पर वैर उत्पादन करता है, यानी द्वेष और असहिष्णुता। स्वार्थ च वैरम प्रावर्धयति, और स्वार्थ से प्रेरित जन अहंकार के भावना से बढ़ता है, यानी स्वार्थ से ही वैर का उत्पन्न होता है। अगर हम स्वार्थी हो जाए तो स्वार्थ से ही वैर को बढ़ावा मिलता है, उत्पन्न होता है। स्वार्थ प्रेरितो जना अहम भावेन परस्य धर्मम जाति संप्रति क्षेत्रम भाषाम वा न सहते। और कहता स्वार्थ से प्रेरित जन अहंकार की भावना से दूसरे धर्म जाति क्षेत्र भाषा को न सहते हैं, अहंकार की भावना से, यानी मैं ही सबसे बड़ा हूँ। आत्मन एव स्वम एवं सर्व अकृष्टम इति मन्यते, कहता आत्मा को ही सबसे अच्छा माना जाता है। राजनीति राजनीतिज्ञ च अत्र विशेष विशेषण प्रेरक, और राजनीतिक यहाँ विशेष रूप से प्रेरक है, यानी अशांति को बढ़ावा कौन देता है तो राजनीतिक आदमी देता है। सामान्यो जन न तथा विश्वसनमपि बलनम प्रेरितो जायत, सामान्य जन जो भी विश्व बल से प्रेरित होता है वो उसको क्या करता है प्रेरित करता है, सामान्य जन को वह राजनीतिक लोग प्रेरित करके अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई कराता है। स्वार्थ उपदेश बलपूर्वक निवारणयम, तो कहता है स्वार्थ का उपदेश शक्ति से हटाना है। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पादयते तथा सर्वे स्वार्थ त्यज्य, तो यदि सभी में परोपकार की भावना उत्पन्न हो जाए और सभी अपने स्वार्थ को त्याग दे तो विश्व में शांति आ जाएगी, अशांति ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अत्र महापुरुष विद्वान विध्वंस चिंतकश्च न बिरला भासन्ति, यहाँ विद्वान और महापुरुष चिंतक बिरले बिरले हैं, नहीं मिलते हैं। तेषां कर्तव्यं, जो हमको कर्तव्य बता सके सत्य के रास्ते पर चलना, अहिंसा को अपनाना, परोपकार को समझना। तेषां कर्तव्यम इदम यत जने जने समाजे समाजे राजे राजे च परमार्थ वृत्ति जनयेयु, और कहता उन लोगों का कर्तव्य यह है कि जो व्यक्ति व्यक्ति में समाज समाज में राज्य राज्य में परमार्थ की प्रवृत्ति को जनाबे, स्वार्थ को हटाबे। शुष्क उपदेश च न पर्याप्त प्रत्युत तस्य कार्यान्वयन च जीवने निवार्यम, कहता है और सुख उपदेश पर्याप्त नहीं है किंतु क्रियावन जीवन में ही अनिवार्य, यानी जो कब तक क्रिया नहीं कीजिएगा तो जीवन अनिवार्य रूप से नहीं चलेगा। उच्च कहा गया ज्ञानम भारम क्रिया बिना, और ज्ञान क्रिया कार्य के बिना ज्ञान भी भार के समान, अगर आपके पास बुद्धि है उसका प्रयोग नहीं कर रहे तो वो समझो बेकार ही है। देशानाम मध्य च विवादानाम समयितुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवृत्ते संस्था सन्ति, देशों के बीच विवादों को शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र नाम की संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संस्था का निर्माण क्यों किया गया, तो देशों के बीच जो विवाद है उसको हल करने के लिए। ताश्य काले काले आशंकितम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति, वह समय समय पर विश्व युद्ध की आशंका को भी हटाते हैं, निवारण करते हैं। भगवान बुद्ध पुरा काले एव बैरस्य शमनम अशमनम प्रोक्तवान,
भगवान बुद्ध ने बहुत ही पहले कह दिया था, बैरी को बैर से समन असंभव है, यानी बैरी को बैर से संभव नहीं किया जा सकता है, यानी लोहा लोहा को नहीं काटता है, कहने का मतलब है शत्रु से शत्रुता अच्छा नहीं है। अबैरेन करुणा करुणाया मैत्री भावेन च बैरस्य शांति भवतीति सर्वे मन्यन्ते। कहता है बैरी को बैर से असंभव है, अबैर करुणा से और मैत्री भावना से शांति आ सकता है, अबैर करुणा से और मैत्री भावना से शांति आ सकता है। भारतीय नीतिकार सत्यम उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकारों ने सत्य ही उद्घोषित किया है। अयम निज परो व्यति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है यह तुम्हारा है, ऐसा छोट बुद्धि वाले कहते हैं, लघु बुद्धि वाले कहते हैं, और उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही, पूरे संसार ही, पूरी धरती ही अपना कुटुम्ब है, परिवार के समान है। प्रश्न बनेगा, अयम निज परो व्यति गणना लघु चेतसाम कहाँ से लिया गया है, तो विश्व शांति चैप्टर से लिया गया है। पर पीड़नम आत्मा नाशाय जायते, पर पीड़ा से आत्मा की नष्ट होती है, दूसरों को हम पीड़ा देंगे तो पर पीड़ा से दूसरों की पीड़ा से आत्मा की नाश होता है। परोपकार च शांति कारणम भवति, और परोपकार शांति का कारण है। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देश सहायताम राशि सामग्री च प्रेष्यन्ति इति विश्व शांति सूर्योदयो दृश्यते। आज भी दूसरे देश के संकट काल में अन्य देशों से सहायता राशि और सामग्री को भेजते हैं, ऐसा विश्व शांति में सूर्योदय दिखे जाते हैं। जिस प्रकार अभी कोरोना स्थिति में भारत ने कोरोना का वैक्सीन टीका दूसरे देश को मदद किया, जब भारत में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो दूसरे देश भारत को भी ऑक्सीजन दे रहे हैं, यह एक प्रकार से विश्व शांति करा रहा है, एक दूसरे का मदद हो रहा है, विश्व शांति का उदय हो रहा है। तो प्रश्न यह बनता है, विश्व में यह शांति का कारण क्या है, तो विश्व में यह शांति का कारण है द्वेष और असहिष्णुता। तो विश्व में शांति कैसे आएगी, तो विश्व में शांति सत्य अहिंसा और परोपकार के रास्ते पर चलने से आएगी। उदार चरित्र वालों के लिए पूरा पृथ्वी क्या है, तो वह कुटुंब के समान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में उच्चतम अंक स्कोर करे, तो आज ही आपके अपने चैनल पीके भी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।